हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल डॉक्टर दरबेश की एक नायाब देन है, जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बीमारी से निजात पा लें। अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर दरबेश के बताए नुस्खों से लाभ उठाना चाहते हैं, स्वस्थ और सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, मैं डॉक्टर दरबेश आप सबका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग सेहतमंद रहोगे, रोजाना एक्यूप्रेशर करते रहोगे। जो लोग रोजाना एक्यूप्रेशर ढंग से करते हैं, सुबह शाम कम से कम, या फिर खाना खाने के पहले सुबह दोपहर रात, उनको दोस्तों वो लाभ मिलती है जो हैरान कर देता है। बड़े से बड़े बीमारियों को भी दोस्तों हम रोक सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, कॉमन प्रॉब्लम अभी चल रहा है वो है हार्ट अटैक। यंग ओल्ड ऐसा कोई और फर्क नहीं रहा। जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वो लोग बहुत फिट और तंदुरुस्त हैं, मगर देखा जाता है वही हार्ट अटैक में उनके देहांत हो जाती है। तो ऐसे 8 संकेत आपको आज बताऊंगा जो प्री हार्ट अटैक बोल के कहा जाता है। यानी आपको ऐसा अगर महसूस होता है तो तुरंत हो जाइए सावधान और नज़दीक कोई भी डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। और जो वीडियो मेरी अपलोडेड बहुत पहले है, पुड़िया वाली वीडियो हार्ट अटैक के लिए, उसका इस्तेमाल करें, वो वीडियो को देखें और समझें, उसका फ़ायदा भी दोस्तों लें। आज मैं आपको जो 8 संकेत बताता हूँ इसको ढंग से दोस्तों समझिएगा। ऐसे हज़ारों टिप्स दोस्तों मेरी किताब माई हेल्थ इन माई हैंड में है। इसको आज रेफरल किताब आप रख के इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत लोग कर रहे हो, इसका लाभ भी ले रहे हो। और जिनके पास ये किताब नहीं है, ऑनलाइन अमेजन तत्काल मंगाएं और इसका फ़ायदा उठाएं। वर्तमान समय में हार्ट अटैक, स्ट्रोक और हार्ट फेलियर जैसे हृदय संबंधित समस्याएं बहुत आम हो गई है। हृदय रोग के कारण लोगों की मृत्यु के मामला तेजी से दोस्तों बढ़ रहा है। तो मुख्य जो 8-10 संकेत होते हैं उनमें से मैं आपको कुछ संकेत बताता हूं। ऐसा अगर आपको लगे तो तत्काल आप मेडिकल इमरजेंसी में हेल्प लीजिए। सीने में तेज या अचानक दर्द, जकड़न, संकुचन या खिंचाव और दर्द जैसी समस्याओं का अनुभव होना, बेचैनी महसूस होना और आपके कंधे, हाथ, पीठ, गर्दन, जबड़े, दांत और ऊपरी पेट में दर्द महसूस होना, और साथ ही आपको अजीब सा एक एहसास महसूस होना और कंपन और थरथराहट आना, आपको ठंडा पसीना आना, बहुत अधिक एक साथ में थकान महसूस होना, सीने में जलन और अपच जैसी समस्याएं बहुत तेजी से बढ़ते जाना, अचानक चक्कर आना और बेहोशी जैसे महसूस होना, जी मिचलना, उल्टी अनुभव होना, सांस लेने में तकलीफ, दिक्कत और परेशानी आपको महसूस होना। इस तरीके से अगर आपको साइन एंड सिम्टम्स आती है तो दोस्तों आपको 2 चीज बताता हूँ तत्काल आप क्या करोगे। एक यहाँ पे एक पॉइंट देखिए, अगर आप खुद हो तो ये है लेफ्ट पाम, हमारे हार्ट भी जो दोस्तों लेफ्ट पे ही रहता है। यहाँ पे देखिए ए वाली पॉइंट यहाँ होती है, तो यहाँ आप जितना हो सके आप स्टिमुलेट करिए ए वाले एरिया को। पहले यहाँ अच्छे से स्टिमुलेट करें, फिर ये सारा एरिया को आप करिएगा, पूरा स्टिमुलेट करिएगा इस तरीके से, लेफ्ट साइड में ही करिएगा। तो इससे आपको तुरंत जो हार्ट अटैक का खतरा है वो दोस्तों कम होगा। हार्ट का मसल्स जो है स्पाजमेटिक मोड में जा रहा है या बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है, स्टिफनेस आ रही है, उसमें कमी होगी और पेन भी दोस्तों कम होगा। साथ साथ यहाँ पे दोस्तों जो गैस पॉइंट है उसको मिला के आप दबाइए ये वाला, और यहाँ है एड्रेनल ग्लैंड ब्लड प्रेशर का पॉइंट, जिससे हार्ट बीट वगैरह को दोस्तों आप कम कर सकते हो ये, और इस साइड में एड्रेनल ग्लैंड यहाँ पे है, ये पॉइंट दबाइए और गैस का पॉइंट यहाँ दबाइए। मगर जो मेन है आपको कहा मैं, वो है ए हार्ट का पॉइंट को दोस्तों अगर टाइट करके आप रख लेते हो और तुरंत अस्पताल लेके पेशेंट को जाते हो तो मृत्यु का खतरा दोस्तों कम हो जाती है। दूसरी बात है गैस कैसे भी हो दोस्तों कम किया जाए, पेशेंट को एडजस्टेड ना करें या पेशेंट खुद चल के ट्रैवल ना करें। अगर ऐसा आपको महसूस होता है आप शांतचित रहें और अपना ये पॉइंट को दबा के दोस्तों रखिए, लाभ दोस्तों बिल्कुल होगी। आशा करता हूँ ये टिप्स दोस्तों आपको डेफिनेटली एक प्रॉब्लम के समय में, इमरजेंसी के टाइम में दोस्तों हेल्प करेगा। जिनको समस्या दोस्तों नहीं है, रोजाना अगर ये पॉइंट आप सुबह शाम दबाते रहोगे 50-50 बार हार्ट का पॉइंट, तो दोस्तों आपका हार्ट मजबूत रहेगा,
कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका नॉर्मल होगा, यानी आपका HDL LDL सब दोस्तों बैलेंस्ड रहेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि आप फिट एंड फाइन महसूस करोगे, आपका हार्ट मसल्स बेहतर दोस्तों काम करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हार्ट हमारा मसल से ही चलता है, उसमें जितना स्टिफनेस होगा उतना प्रॉब्लम दोस्तों हमको होगी। तो जंक फूड से बचें, सिगरेट स्मोक अगर करते हो दोस्तों आज ही क्विट कर दें, शराब तंबाकू ये सब दोस्तों जानलेवा चीज़ है, ये हमारे हार्ट मसल्स को दोस्तों कमज़ोर करता है। ये जहरीले चीज़ों से हम अगर बच सकते हैं, साथ में भरपूर खाना दोस्तों एक साथ में ना खाएं। अगर आधा आप खाते हो, थोड़ा स्पेस आप देते हो, तो आप डाइजेस्टिव सिस्टम आपका प्रेशर में नहीं आता है और हजम सही ढंग से हो जाता है। रात का खाना डिनर वगैरह थोड़ा जल्दी ले लें, जिससे आपको हार्ट अटैक का दोस्तों खतरा कम हो। मॉर्निंग वॉक दोस्तों जरूर करनी चाहिए, 4-5 किलोमीटर जरूर चलें। अगर किसी को आर्थराइटिस की समस्या है, घुटने में कोई प्रॉब्लम है, इससे आप चल नहीं पाते हो, तो तत्काल मुझे 8826676303 या फिर 8800403758 में संपर्क करें, व्हाट्सअप करें दोस्तों, फ़ोन ना करें, पहले व्हाट्सअप करके अपनी समस्या एक्सरे MRI दोस्तों भेजें, जिससे ये समस्या का समाधान दोस्तों हम करें। क्योंकि हम चलेंगे नहीं, घूमेंगे नहीं, तो वेट दोस्तों बढ़ेगी, इससे भी हार्ट अटैक का दोस्तों खतरा बढ़ता है। नहीं दोस्तों, हम अगर तेज़ी से हम अपना काम कर पाएंगे या फिर हमारा जो रोज़ाना जो हमारा डेली लाइफ है वो अगर डिस्टर्ब होगा, उसके कारण हमारा वेट भी दोस्तों बढ़ेगा, यूरिक एसिड भी बढ़ेगा, और साथ साथ हमारे जॉइंट भी ख़राब होंगे और हमारा हार्ट भी दोस्तों जाएगा हाथ से। ये सबसे बचने के लिए हर घंटा एक गिलास पानी पिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज दोस्तों ज़रूर करो। जैसे मैं बताता हूँ हमेशा, गहरी सांसें लेते हुए हाथ की मुट्ठी को बंद करें, 1-2 सेकंड रोकें, फिर सांस छोड़ते हुए हाथ की मुट्ठी खोलें। ऐसे आप 50-100 बार सुबह, 50-100 बार शाम घर में बैठ के भी दोस्तों कर सकते हो, जिससे आपका वेट और फैट दोस्तों अंडर कंट्रोल रहेगा। शुगर अगर है तो शुगर को दोस्तों नॉर्मल रखें, मेरी शुगर वीडियो बहुत सारे हैं, उसको आप देखिए। आशा करता हूँ आज का वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा और आप कसरत रहोगे। कभी भी हेवी एक्सरसाइज ना करें, जिम अगर जाते भी हो तो दोस्तों कम से कम अपने जो स्टैमिना है उसको समझें, अपनी जो ताकत है उसको समझें, उससे ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें। शरीर को समझें, शरीर का जो क्षमता है उसको समझें, उसी हिसाब से दोस्तों आप अपना जो ताकत है वो लगाइए। जिम में हो और बाकी कुश्ती कसरत जहाँ भी करते हो, ये सबका ध्यान रखिए। एरोबिक्स वगैरह बहुत विगरियसली आप करते हो, फिर उसका साइड इफेक्ट भी दिखने लगता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।